वेलकम फ्रेंड्स। तो देखो इसको ऑन करते हैं, तो देखो लाइट हमारा ऑन है इसका, पर यहाँ पे ये करंट नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो इसका सारा कनेक्शन ओके है। तो यहाँ पे इसका करंट नहीं आ रहा है। तो इसकी एक वजह हो सकती है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर इसका ख़राब हो गया होगा। तो देखो पहले जो इसमें एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा हुआ है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे ज़बरदस्ती लगाया गया है, तो इसको निकाल देंगे। तो देखिए अब हम इसका सीधा सीधा ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको निकालेंगे, इसकी जगह दूसरा लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये काम करना स्टार्ट किया कि नहीं। तो देखिए ये बाहर आ गया है, तो इसका नंबर है D882, ठीक है। तो इसकी जगह हम दूसरा एक नया वाला सेम D882 ये ट्रांजिस्टर इस पे लगाते हैं।
तो देखिए ये चेंज हो गया है, अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, तो लाइट तो हमारा पहले भी जल रहा था, अभी देखते हैं इधर ये, तो देखिए ये स्टार्ट हो गया है। तो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर चेंज करने पर यहाँ ये पूरा स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर मात्र 5 से 10 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है, बस इस ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पे स्विचिंग होता है, और स्विचिंग करा के फिर सेकेंडरी पे, ये हमारा सेकेंडरी लाइन है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है जिसको ये कैपेसिटर स्टोर करता है, और यही कैपेसिटर का चार्ज यहाँ पे जाता है। ठीक है, सिंपल सा है इसका सर्किट। तो ज़्यादातर इसमें ये ट्रांजिस्टर ही ख़राब होता है, तो ये ट्रांजिस्टर चेंज करने पर ये पूरी तरह से ओके हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रेडी हो चुका है, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर चेंज करना था। ट्रांजिस्टर चेंज होने के बाद ये पूरी तरह से रेडी।